हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सोनी की तरफ से आने वाले एक बहुत ही पॉपुलर 4-चैनल एम्पलीफायर की। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा। और दोस्तों, ये मार्केट का मोस्ट सेलिंग एम्पलीफायर है। तो आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा ये एम्पलीफायर कितने पावर का है और कितनी RMS निकालता है। और आज की वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि आप इस एम्पलीफायर पर कितने सबवूफर और कितने स्पीकर चला सकते हो। तो बने रहना दोस्तों वीडियो में। वीडियो कृपया करके आपको लास्ट तक देखनी है। वीडियो पूरी देखने से आपको आज इसकी सारी स्पेसिफिकेशन बता दूंगा। अगर आपने दोस्तों ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि आप ये बॉक्स देख पा रहे हो, बॉक्स को देख के ही लगता है ये एक प्रीमियम एम्पलीफायर है। और अब बात करेंगे बॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई की। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सोनी की ब्रांडिंग है और स्टीरियो पावर एम्पलीफायर। यहाँ पर इसका नीचे की तरफ मॉडल नंबर दिया गया है XMN1004। और यहाँ पर हमारा एक 4-चैनल एम्पलीफायर बना हुआ है। और यहाँ पर एक्सप्लोर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 वाट मैक्स पावर और 70x4। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें 70 वाट पर चैनल RMS देखने के लिए मिल जाती है। जो रेटेड पावर है हमारी वो 70 वाट RMS पर चैनल है। और यहाँ पर LPF और HPF के दोनों मोड हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिक टर्मिनल कंट्रोल की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और इसको आप 4-3-2 चैनल को ब्रिज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने एक सोनी के बहुत ही ज़बरदस्त स्टीरियो की अनबॉक्सिंग करी थी, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और एंड स्क्रीन में भी, चाहे तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। और अब बात करते हैं साइड में। साइड में कंपनी ने क्या दिखा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, वही सोनी की ब्रांडिंग है और वही स्पेसिफिकेशन यहाँ भी दिखाई गई है। अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरी साइड, बैक साइड इसकी, बैक साइड कंपनी ने क्या दिखा रखा है। अरे हो, यहाँ पर हमें सोनी की ब्रांडिंग और वही ऑटोमेटिक टर्मिनल कंट्रोल का यहाँ पर ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर टेम्परेचर की स्पेसिफिकेशन दिखाई गई है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर पर काम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाई क्वालिटी कंपोनेंट, जो कि दोस्तों ये सोनी की तरफ से एक प्रीमियम एम्पलीफायर है। इसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगे गए हैं वो दोस्तों हाई क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी के। और एक नीचे की तरफ हमें यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। इस पर लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर XM1004 और हमारा क्वांटिटी है 1 यूनिट। और यहाँ पर दोस्तों जो मंथ ऑफ ईयर मैन्युफैक्चर है वो अगस्त 2020 का है। अब बात करते हैं हम अपने MRP की, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है 8,990 रुपये, जो कि दोस्तों इसका एक्चुअल MRP नहीं है। एक्चुअल MRP के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और यहाँ पर कंपनी की कुछ और डिटेल दी गई हैं, चाहे तो आप इसको पॉज कर पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो जब भी आप एम्पलीफायर लें तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, इसके ऊपर सोनी की ओरिजिनल सील होनी चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको ओरिजिनल सोनी की सील देखने के लिए मिल जाती है। चलिए मैं इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने ब्रेक कर दिया है और कुछ हमारा इस तरह बॉक्स खुलता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बॉक्स कंटेंट बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों हमें एक हाई लेवल इनपुट देखने के लिए मिल जाता है। चलिए दोस्तों, इसका काम क्या होता है वीडियो में वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए उसको अभी साइड में रख देता हूँ। और अब बात करते हैं, हमारी यहाँ पर एक रबर टाइप की देखने के लिए मिल जाता है, जो कि दोस्तों जितनी भी हमारी वायरिंग होती है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। इसको भी साइड में रख देता हूँ। और अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने यहाँ पर स्क्रू की। और यहाँ पर हमें कुछ स्क्रू देखने के लिए मिल जाते हैं इसके माउंट करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एम्पलीफायर है वो एक थर्माकोल की जो पैकिंग है, जो पेपर टाइप की है, इसमें पैक है, जिसका फ़ायदा दोस्तों हमें ये देखने के लिए मिल जाता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट में जो हमारा एम्पलीफायर है कभी भी डैमेज नहीं होगा। चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पर। और अभी एम्पलीफायर को हम रखते हैं साइड में। और सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, जो भी आप दोस्तों ओरिजिनल एम्पलीफायर लोगे उसके ऊपर आपको ओरिजिनल यहाँ पर वारंटी कार्ड देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और यह है इसका यूज़र मैनुअल, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। ये एम्पलीफायर दोस्तों एक पॉलीथीन के अंदर पैक है। चलिए मैं इसको पॉलीथीन से भी बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर कंपनी ने टेप लगाया है, पॉलीथीन से बाहर कर लिया है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एम्पलीफायर है देख के ही लगता है ये एक प्रीमियम क्वालिटी का एम्पलीफायर है। जो दोस्तों मैं इसका
मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है देखने में दोस्तों, काफ़ी गुड लुकिंग एम्पलीफायर है। अब बात करते हैं हम अपने फ्रंट से। फ्रंट में दोस्तों काफ़ी तकड़ी हमें यहाँ पर हीट सिंक देखने के लिए मिल जाते हैं। जो इसकी बॉडी है दोस्तों वो कंपनी ने इस तरह बनाई है कि दोस्तों इसकी बॉडी पूरा हीट सिंक का काम करती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सोनी, जो कि सोनी दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है, इसकी बॉडी के अंदर इनबिल्ड है। यहाँ पर कोई स्टिकर देखने के लिए नहीं मिलता, और आप जैसे कि देख भी पा रहे हो 1000 वाट लिखा हुआ है, और एक्सप्लोड की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और वही इस पर स्पेसिफिकेशन दिखाए गए हैं 432 चैनल को आप ब्रिज करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलते हैं साइड में जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, जो इसकी दोस्तों सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है इस एम्पलीफायर की, देखिए दोस्तों इसमें जितनी भी वायरिंग दे रखी है कंपनी ने सारी एक साइड दे रखी है। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, आपको इस साइड या फिर इस साइड आपको कोई भी वायरिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपको सारी वायरिंग एक तरफ देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर फ्रंट चैनल के टर्मिनल दिखाए गए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट स्पीकर आउटपुट, यहाँ पर आप अपने जो फ्रंट के स्पीकर है वो चला सकते हो यहाँ पर। और हमें यहाँ पर फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है, LPF ऑफ और HPF का यहाँ पर हमें मोड देखने के लिए मिल जाता है। करते हैं यहाँ पर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, आप इसका जो लेवल है बढ़ा या घटा भी सकते हो। और यहाँ पर RCA इनपुट देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट का दोस्तों ये है, और हमारा रियर साइड का ये है दोस्तों इसका हाई लेवल इनपुट। अगर दोस्तों जिन गाड़ियों में हमारे कंपनी फिटेड स्टीरियो होते हैं उनके दोस्तों जो स्पीकर की वायर हैं उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। जैसे कि आपको मैं दिखा भी दूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, इस तरह ये कनेक्ट हो जाएगा, और जो स्पीकर की वायर है उनको कनेक्ट करके यहाँ पर आप अपने एम्पलीफायर को बगैर RCA लीड के यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये है इसका रियर साइड का LPF का सॉकेट, इसको आप रियर साइड के जो हमारे सॉकेट है इसको आप LPF को ऑन या फिर ऑफ ही रख सकते हो। इसमें आपको HPF का मोड देखने के लिए नहीं मिलता रियर साइड का जो सॉकेट है, और यहाँ तो इसका जो हमारे गेन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे हम लेवल भी बोलते हैं। ये है हमारे रियर साइड के स्पीकर के सॉकेट, जो आप देख भी पा रहे होंगे। जितने भी दोस्तों ये हमारे जो स्पीकर या फिर बैटरी के टर्मिनल हैं इनके ऊपर दोस्तों एक खास किस्म की कोटिंग की जाती है, जिससे दोस्तों जो हमारे ये टर्मिनल हैं इनके ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता। ये है हमारा रियर साइड का स्पीकर का टर्मिनल, और यहाँ पर दोस्तों हमें 25 एम्पियर के दो फ्यूज देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर दोस्तों हमारी बैटरी की वायर लगती है, जो कि दोस्तों यहाँ पर रिमोट और 12 वोल्ट और ग्राउंड देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर पर आप क्या क्या चला सकते हो, जो कि दोस्तों आप फ्रंट में जो स्पीकर है अपने दो स्पीकर चला सकते हो, और जो रियर चैनल है हमारा जो बैक वाला चैनल होता है इस पर आप एक सबवूफर या फिर दो स्पीकर इस पर भी चला सकते हो। कोई मेरा भाई इसको ख़रीदना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको ख़रीद भी सकते हो। और दोस्तों आपको मैं रियली बताऊँ कि ये बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, जो भी दोस्तों बंदे इसको लेगा लेने के बाद कभी नहीं पछताएगा। इस पर आप एक सबवूफर और दो स्पीकर बड़े आराम से चला सकते हो, सबवूफर आपका JBL सोनी पायनियर किसी भी कंपनी का हो। अगर दोस्तों आपको इसकी परफॉर्मेंस वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पर जल्दी ही इसकी परफॉर्मेंस वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो तो आज की हमारी इतनी ही थी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।